तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो और इंटरव्यू के बाद आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं आता है, जब सेलेक्ट हो जाते हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए। जब आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें जाके आपने इंटरव्यू दिया, या आपने ओवर कॉल इंटरव्यू दिया, या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इंटरव्यू दिया, तो होता क्या है कि आप टेक्निकल राउंड पहले ले लेते हैं और कई बार एचआर राउंड पहले ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे वो कैसे ले रहे हैं। तो इनकेस मान लो, मैं मान के चलता हूँ कि पहले आपका टेक्निकल राउंड हुआ, इसके बाद आपका एचआर डिस्कशन हुआ। अब टेक्निकल राउंड हुआ जो, तो उन्होंने ये बता दिया कि ओके, आप शॉर्ट लिस्टेड हो और आपकी सीवी एचआर के पास भेजी जा रही है। अब आपकी सीवी एचआर के पास गई, एचआर ने पूरा वेरीफाई किया, आपने क्या सैलरी की डिमांड करी है, आपकी प्रीवियस सैलरी क्या है, वो सारी चीज़ें हुई। अब एचआर का आपके पास कॉल आया, एचआर ने बता दिया ठीक है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो या आप सेलेक्टेड हो, और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे प्रोसीड किए जा रहे हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोसीड किए जा रहे हैं, इन द सेंस कि आपको बता दिया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो। अब क्या होता है कि वो हो जाता है कि आप तो खुश हो गए, कुछ जॉब मिल गई। अब होता क्या है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो जाता है, आप वेट करते रहते हो और आपके पास कोई भी कॉल नहीं आता है किसी भी कंपनी से, आप जहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो भी जाते हो। तो बेसिकली ये किस फंडे पे काम करता है, ये किस पे काम करता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब आपने इंटरव्यू दिया, एचआर का कॉल आ गया, आपको बता दिया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, इसके बाद में होता क्या कि आपका शॉर्ट लिस्टेड जो सीवी है वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो एचआर डिपार्टमेंट भेजता है अपने सीनियर को, यानी कि वो जाता है मैनेजमेंट के पास अप्रूवल के लिए, कि सैलरी अप्रूवल के लिए। अब वहाँ से क्या होता है, उन्होंने मैनेजमेंट के पास भेजा, फिर वहाँ से वो और टॉप लेवल पे जाता है। तो मतलब ऐसे होने में और पता ही है कि जितने भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके पास तो बतेरा काम होता है, वो बिजी होते हैं, एक बार में जल्दी रिप्लाई वहाँ नहीं मिलता, जो उनका इंटरनल कम्युनिकेशन चल रहा होता है ओवर मेल। और यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक दो दिन हो जाते हैं, दो दिन, तीन दिन, चार दिन हम लोग वेट करते रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार, अब शायद नहीं होगा, और वहाँ पे होप खो देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, उनका एक अप्रूवल प्रोसेस होता है, जब तक, क्योंकि सैलरी जो आती ना वो ऊपर से ही आती है, तब जाके आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। यानी कि एचआर ने आपको बोल दिया आप सेलेक्टेड तो सैलरी एचआर ही दे देगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए मेल बहुत लंबी जाती है, बहुत तगड़ी चलती है, क्योंकि आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिलता है और टॉप मैनेजमेंट होता है, वहाँ से आपका अप्रूव होता है, इसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। तो कई बार इस प्रोसेस में आपको 5 दिन लग जाते हैं, कई बार 10 दिन, कई दिन 15 दिन, लेकिन मैक्स जो टाइमिंग होता है, अब ये नहीं कि आप 2 महीने, 3 महीने तक वेट ही करते रहे कि नहीं अप्रूवल नहीं आ रहा, जो मैक्स टाइम होता है वो 15 to 20 days होता है, या 1 month भी मान के चलो, 15 दिन के बाद थोड़े से कम चांस रह जाते हैं, आप ये समझ लेना कि 50% केवल चांस है, लेकिन 15 दिन तक आप वेट करो और ये समझो कि मेरा 100% चांस है, अगर उन लोगों ने ये बोल दिया है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और आपसे हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं, जैसे कि करंट कंपनी की सैलरी स्लिप ले ली, या करंट कंपनी का ऑफर लेटर ले लिया जिस पर आप काम कर रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं, और जो सैलरी डिमांड होती है वो सब नोट डाउन करके रखते हैं। तो मेन चीज़ वही होती है मेरे दोस्त, कि वो अप्रूवल के लिए होता है, अप्रूवल के बाद फिर आपके पास ऑफर लेटर ऑन मेल वगैरह सेंड किया जाता है, फिर वो डिस्कशन होता है आप कब ज्वाइन कर रहे हो, कब ज्वाइन नहीं कर रहे हो। तो आपने इंटरव्यू दिया, पहले उनका इंटरनल डिस्कशन हुआ 1-to-1 या किसी भी तरीके वीडियो कॉल पे, इसके बाद आपका मेल आगे फॉरवर्ड किया जाता है मैनेजमेंट में, फिर वो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को भेजता है। तो ऐसे 2-3 cycle होती हैं जिसमें आपका CV, आपकी सैलरी, आपका एक्सपीरियंस, मतलब सारी चीज़ें जो उसमें मेंशन करते हैं ना, वो सारी चीज़ें, नोटिस पीरियड इंक्लूडिंग, तो वो सारी चीज़ें टॉप मैनेजमेंट पे जाती हैं, फिर वहाँ से अप्रूव होने के बाद डायरेक्ट एचआर के पास आता है, एचआर फिर ऑफर लेटर रिलीज़ करता है, आपकी सैलरी वगैरह उसमें लिखी होती है। तो ये प्रोसेस होता है, तो आप घबराओ नहीं कि आपके पास 1-2-3 दिन बाद कॉल नहीं आया तो नहीं सर सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर आपको बोल दिया कि सेलेक्ट हो तो आप 2-4 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक आप वेट करो। इन केस फिर भी नहीं होता है तो आपको जिससे कॉल आया आप उसको कॉल बैक कर सकते हो, या कोई आपके पास मेल आईडी हो एचआर की आप उनको कॉल बैक कर सकते हो कि व्हाट इज़ द स्टेटस, या इज देयर एनी अपडेट फॉर मी डिस्कशन विद यू, ऐसे करके मेल पे डाल के और उनसे रिप्लाई ले लो, या उनको मेल डाल दो, तो उस पर आ जाता है, अपना नाम वगैरह मेंशन करोगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे भी हो जाती हैं। बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस पर ऐसी वीडियोस आती रहती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत, एंड बी सेफ।